हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जोशी नेटिंग चैनल। आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक नॉलेजवर वीडियो लेके आई हूँ। तो ये देखिए, ये हमारी वूल वॉन्डर मशीन है। तो जब मैंने ये मशीन ली थी तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था। आप लोग भी सर्च करके देख सकते हैं। इतना डीपली हमें किसी ने नहीं बताया था इसके बारे में, तो मुझे ये मशीन सेट करना नहीं आया। तो फिर मैंने जहाँ से ये अरोरा सेल्स कॉरपोरेशन से मैंने अपनी ब्रदर हैंड निटिंग जो कार्डोमेटिक सिस्टम वाली जो मशीन मंगाई है, उसके साथ मुझे ये वहाँ से मैंने ऑर्डर किया था। तब मुझे वहीं से अमित सर ने इसकी वीडियो सेंड की और तब जाके मुझे इसके बारे में थोड़ा नॉलेज हुआ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के लिए इस पर वीडियो बनाऊँ, ताकि आप लोग कभी मशीन ख़रीदो तो आपको हेल्प हो सके थोड़ी सी। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ यार लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा वूल वॉन्डर है। तो हमने सबसे पहले हम इस मशीन को फिट कर लेंगे। तो हमने इसे कैसे फिट करना है, ये हमारा इसका पार्ट है। तो हमने यहाँ पे जो नट दिख रहा है, इसे यहाँ पे हम सेंटर में फिट कर लेंगे और स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से हम इसे थोड़ा सा टाइट कर लेंगे और फिर हम इसे ऐसे राउंड में घुमा लेंगे और यहाँ पर इसका ये दूसरा पार्ट हम सेट कर लेंगे और इसे भी हम स्क्रू की सहायता से टाइट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा टाइट हो गया है। तो अब हमने ये इस पे, ये भी इसी पे हमने सेट करना है। तो इसके अंदर जो ये हमारे सांचे बने हुए हैं और जो यहाँ पे सांचे हैं, हमें उनको साथ में सेट करना होता है। तो ऐसे हम इसे लगा के इसे ऐसे राउंड में घुमा लेंगे और इसे हम खींच करके देखेंगे तो ये लग चुका है। अब हम इसे साइड में रख देंगे और ये हमारा, ये देखिए, इस पे हम जो हमारा वूल होता है उसे सेट करते हैं। तो इस पे जो आपको ये होल दिख रहे हैं, आपने ऐसे इसमें इसे डाल लेना है, ये देखिए। और इधर इधर ये आपका वापस आ जाएगा। और दूसरा भी हमने जो इसमें हमें दूसरा होल दिख रहा है, ऐसे हम इसे लगा लेंगे, देखिए। फिर हम रॉड अपनी लेंगे और इधर वाले होल में, ध्यान रहे, एक इस वाले होल में, एक ये छोटे वाले होल में हमने इसे सेट करना है। तो हम इसे भी ऐसे डाल लेंगे और नेक्स्ट जो हमारा ये वाला है, हम इस होल में इसे डाल लेंगे, ये देखिए। इधर से हमारा ये बाहर निकलना चाहिए। तो आप इसे ध्यान से लगा लें। तो ये हमारा चारों तरफ से सेट हो चुका है। आप चाहो तो आप इस बटन को खोल कर भी इसे सेट कर सकते हो, लेकिन ऐसे भी आप सेट करोगे तो आपका ये लग जाएगा। और अब ये हमारे क्लंप हैं, तो अब हमने इसे कैसे सेट करना है। ये हमारा टेबल हो गया, टेबल के साइड में हम इसे लगा लेंगे। आपको ध्यान रहे, ये मशीन हमने अपने राइट हैंड पे लगानी है और जो ये चरखी हमारी है इसे हम लेफ्ट हैंड पे लगाएंगे। तो ये देखिए, ये हमने, ये हमारी ऐसी मशीन ले लेनी है और इसके बीच में हमने ऐसे इसको रख लेना है और हम टेबल पर इसे सेट कर लेंगे। तो ये हमारा टेबल पर लग चुका है, देखिए, ये हमारा टेबल पे यहाँ पे सेट हो चुका है। और अब जो ये हमारा वूल का है, हम इसे टेबल के दूसरी साइड हम इसे
सॉरी इस साइड को हम इसे सेट कर लेंगे। ये हमारा सेट हो चुका है। और ये जो हमारा फिरकी है हमने इसे ऐसे यहाँ पे रख लेना है। ये देखिए, तो अब हमने ऐसे वूल की ये हमने गुच्छा ले लेना है। और आपको इसे मशीन पे सेट कर लेना है। अगर आपकी वूल की जो लच्छी है वो अगर उलझी रहेगी तो ये अटक सकती है। इसे लगाने के बाद आप इसे टाइट कर सकते हैं। ये देखिए, हमने इसे टाइट कर लिया है। अब हम थ्रेड को लगाएंगे। थ्रेड ध्यान से देखिए, हमने थ्रेड को कैसे लगाना है। सॉरी, हम इसका एक पार्ट, ये जो ये वाला है, हमने इसे मशीन के आगे इसे ऐसे सेट कर लेना है। यहाँ पे एक होल है इसका, तो ये हम इसमें लगा लेंगे। तो आप देखिए, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। अब ये थ्रेड हमने सबसे पहले यहाँ से हम बाहर की ओर से हमने अंदर को थ्रेड ले लेना है। ध्यान से देखिए, फिर हमने इस वाले में भी बाहर से अंदर की ओर ले लिया, फिर हमने यहाँ भी बाहर से अंदर की ओर। तो ये देखिए, ये हमने फिर बाद में यहाँ पे जो सांचा है हमारा उस पर हम इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे पकड़ के इसे हम ये देखिए हमारी थोड़ी सी लच्छी उलझ गई है फूल की। जैसे कि हमारा ये गोला बन चुका है, तो हमने इसे निकालना कैसे है ये आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो हमारा थ्रेड यहाँ है, हम उसे निकाल लेंगे और ऐसे हमने दोनों साइड से इसे पकड़ना है। और ये देखिए कितना प्यारा हमारा ये गोला बन के आया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहूं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर यू ऑल।